भाई ये तीन प्लग कहाँ क्या है समझ रहे हैं? एक ही गाड़ी को तीन प्लग कहाँ से, वो कोसी गाड़ी को आते हैं और काम पे आते हैं, कैसा फिटिंग होते हैं कैसा है क्या नहीं देखेंगे। तो उससे पहले गाड़ी के प्लग के बारे में बात करेंगे। ये प्लग आके सबको मालूम ही है, जो एक्टिवा को आता पल्सर को आता, लॉन्ग थ्रेड प्लग बोलते हैं इसको। ये प्लग है, ये प्लग हो और ये प्लग हो, ये बीच का जो दिख रहा है ये दो की माँ है, ये दो की माँ है बीच वाला। कई को बोल दो ये बीच वाला जो करिश्मा का आता था ओल्ड मॉडल, करिश्मा का भी आता सेम वैसा भी नहीं होता। ये प्लग पूरा आके टोटली डिफरेंट रहता है ये प्लग को। तो ये प्लग खोलने के बाद कैसा है क्या नहीं बता तुम। ये दो भी आके सेम प्लग रहते, ये दो की अम्मा है, ये प्लग बड़ा प्लग, ये दोनों का बाप बाप है। तो ये खोल के देखेंगे कैसा है क्या नहीं। ये देखो बॉक्स में से तो अनलॉक कर दिया उसको। अब ये प्लग को देख लो तो देखो तुम कितना बारीक है, बोल दो थ्रेडिंग उतना बारीक है। और इसका जो नाइफ दिख रहा ना, जो पॉइंट रहा था वो पॉइंट देखो कितना बारीक है। तो बारीक रहने से क्या होता बोलो तो, गाड़ियों को जो सीसी हाई क्लास के जो बड़े गाड़ियों के सीसी रहती ना बजाज गाड़ियों में, तो उसमें क्या है बोलो तो, ये प्लग कहीं को डालना बोलो तो सडन पिकअप पूछे बहुत जने भाई। गाड़ी को सडन पिकअप होना, इतनी बड़ी गाड़ी लिए सडन पिकअप नहीं है, कहीं को वजह क्या है इसकी बोलते। ये वजह पूरा ये प्लग में रहता भाई, ये जो प्लग का जो दिख रहा ना ये सड़न पिकअप के लिए बोलते हैं। तो जो बारीक वाला दिख रहा ना ये सड़न पिकअप के वजह से रहता है, ये जो बारीक वाला दिख रहा ना सड़न पिकअप के वजह से। और ये जो दो दिख रहे ना ये तो मालूम है रेगुलर यूज़ करते ये अपना राइट साइड में, और सबको मालूम रहता है दो प्लग रहते हैं गाड़ी को, लेकिन तीन प्लग रहते ये कोसी गाड़ी है क्या ना। तुम्हारे को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ लास्ट में आते कि ये दो प्लग तो नॉर्मल ही है। अब ये माइलेज के वजह से RPM के वजह से बहुत के वजह से यूज़ होता, अरे वीडियो में पूरा नहीं बता तुम। और ये वीडियो में तुम्हारे को प्लग के बारे में पूरा डिटेल होना बोलो तो मेरे को कमेंट करो बता तुम। और ये तीन प्लग तो देख लिए ना, ये तीन प्लग मिला के एक ही गाड़ी को आता बजाज गाड़ी को आता, कोसे गाड़ी को आता कि तुम्हारे को मालूम रहे तो पहले मेरे को कमेंट करो। मैं पुराने गाड़ी के जो पुराने प्लग रहे वो कहाँ पे है कैसा है क्या नहीं पूरा निकाल के बता तुम डिटेल। वो बजाज NS गाड़ी है, तो NS 200 ओल्ड मॉडल 2017 मॉडल की गाड़ी है, DTSI ट्रिपल स्पार्क बोल के है ना। तो यहाँ पे समझ जाना ये तीन प्लग की गाड़ी है, दो प्लग अपने को देखने को दिखते लेकिन और एक जो प्लग है वो काम पे किधर है नहीं मालूम होता बहुत जनों को। तो ये वीडियो में बता रहा हूँ, देखो एक प्लग आके राइट साइड में जो अपने हैंडल जो पकड़ते ना वहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक प्लग दिखता, ये प्लग अडाप्टर है, प्लग अडाप्टर निकालते हैं कि इसमें देखो अंदर दिखता है प्लग, इसके अंदर दिख रहा ना प्लग, यहाँ पे एक प्लग है। और एक एक बात है तो क्या है बोलते तो, दूसरा प्लग भी बहुत जनों को मालूम हो जाता दूसरा प्लग किधर है बोल के, दूसरा प्लग तो बहुत जनों को मालूम है देखो यहाँ पे है बोल के। ये जो प्लग अडाप्टर दिख रहा ना ये प्लग अडाप्टर है, यहाँ पे दूसरा प्लग है बोल के मालूम हो जाता बहुत जनों को। अब ये प्लग अडाप्टर निकाल देंगे, ये देखो ये दूसरा प्लग है ये। अब तीसरे की बात है तो तीसरा प्लग किधर है, कहाँ पे तीसरा प्लग, अब ये तीसरा प्लग कहाँ पे किसको भी नहीं मालूम, बहुत जनों को नहीं मालूम, मालूम होगा लेकिन बहुत जनों को नहीं मालूम। तो ये तीसरा प्लग ही बता रहा हूँ देखो, ये तीसरा प्लग जो वहाँ पे मैं इससे पहले बताया था जो बड़ा प्लग है बोल के, वो बड़ा प्लग ही डिफरेंट रहता। ये और उधर का जो छोटे बच्चे बच्चे बताया था ना जो अपना रेगुलर यूज़ करते, देखो एक्टिवा को पल्सर को दो जो बड़े बड़े प्लग हम बड़ा थ्रेड बोल के अपन यूज़ करते ना वो प्लग ये है। और एक जो मैं मोटा थ्रेड वाला जो बताया था ना वो सबसे डिफरेंट रहता, सडन पिकअप के से जो प्लग गया था ना वो प्लग आके देखो यहाँ पे रहता। तुम्हारे को खुला बताना बोले तो यहाँ पे दिखता देखो, ये देखो प्लग नीचे से पता तो मैं, ये प्लग अडाप्टर देखो ये तीसरा प्लग है, ये देखो प्लग अडाप्टर आ गया ना, ये देखो प्लग अडाप्टर एक और यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे एक तीन, पूरे तीन प्लग अडाप्टर हैं। प्लग आगे यहाँ से भी दिखता देखो, ये देखो तीसरा प्लग। ये KTM गाड़ी को भी आता, KTM RC जो भी KTM गाड़ियाँ है ना वो सब गाड़ियों को आता। तो वो गाड़ियों को कहाँ पे आता बोल तो भेड़ के अंदर बीच में आता, यहाँ पे एक छोटा ये बड़ा और उधर बाजू जो है वो भी छोटा ही रहता। तो यहाँ पे देखो तीन प्लग है ना, ये तीन प्लग है, ये तीन प्लग क्या है बोले तो इसमें जो बड़ा दिख रहा, ये देखो यहाँ पे जो हेड भी दिख रहा ना ये हेड ड्राइव सो, और यहाँ पे इसका जो हेड दिखा देखो ये दो सेम है समझो, ये बड़ा प्लग, ये दो छोटे दिख रहे ना, ये देखो ये दो छोटे दिख रहे ना, ये यहाँ पे एक फिटिंग होता उधर बाजू राइट साइड में फिटिंग होता। तो अब इसको खोल देंगे, खोल देंगे एक 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 में फिट कर ले तुम, पहले राइट साइड का खोला ना, पहले राइट साइड का फिट कर ले तुम, राइट साइड का फिट कर लेने के बाद तुम्हारे एक 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 फिट करके बता दूँ। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं लास्ट तक देखते रहो
वीडियो में क्या है बोल दो, पूरा डिक्लेयर बता दो क्या है पिकअप, असल ये प्लग डालने से फ़ायदा क्या है, ये प्लग कहीं को डालना, ये बीच में वाला इसमें क्या क्या काम करता, माइलेज बढ़ता नहीं बढ़ता, पिकअप बढ़ता नहीं बढ़ता, आरपीएम स्लो फीडिंग में कैसा रुकती गाड़ी, क्या है क्या नहीं पूरा देखेंगे। 1000 आरपीएम पे रुकती नहीं रुकती पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं तो इसमें का बोश यूज़ कर रहा हूँ, ये आगे एनजीके का यूज़ कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला आगे। कई को बोल दो ये बड़ा वाला बोश में मिलना मुश्किल है, एनजीके में बोल दो ईजी मिल जाता, थोड़े दुकानों में नहीं मिलता। अभी ये क्या है बोल दो रेगुलर मिलता है, लेकिन अपन अपना कुछ भी प्रॉब्लम आया तो अपन ऊपर से निकाल के चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको भी डाल के देखेंगे, इससे पहले एनजीके क्या था, थोड़ा एनजीके का तो प्रॉब्लम आया था, ये बोश के भी नए आते 100%। एक बार डाल के ट्राई करेंगे, अभी तक भी नहीं डाला मैं इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये गाड़ी का। तो जब तक तुम क्या करो, लाइक करके शेयर करो, लास्ट में फिटिंग करने के बाद फिट कर दूँ मैं पहले, अभी फिट करने के बाद लास्ट में स्टेप बाय स्टेप क्या है मैं बताते रहता हूँ तुम्हारे को। तो पहले खोल ले तुम, खोलने को पहले यहाँ पे फिट कर ले तुम्हें, देखो प्लग पाना ऐसा लंबा वाला रहता, प्लग पाना डाल लेके खोल लेना, खोल लेके तीन प्लग खोल लेके भी तीन प्लग फिट करने के बाद ही वीडियो स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। ये जो वो प्लग खोल दिया, अब वो प्लग को बाहर निकाल देंगे, प्लग को बाहर निकाल दे के इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्लग का तो प्रॉब्लम था, गाड़ी क्या और भी बोलो तो हीट होने के बाद गाड़ी रुक जा रही थी, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम नए नए फेस कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो इससे पहले जो डाले उन्होंने क्या करे बोलो तो छोटा प्लग डाल दिया गाड़ी को, ये गाड़ी को जो लंबा प्लग था, ये देखो ऑलरेडी गाड़ी ऐसी चली हुई है, ऑलरेडी मार मार इसको ऑयल भी डाले सर, कंप्रेसर वीक हो गया फिर क्या था नहीं मालूम प्रॉब्लम। तो इसमें देखो छोटा प्लग डाले थ्रेडिंग का, इसको छोटा थ्रेड बोलते हैं, ये स्प्लेंडर को डालते हैं, और वो टीवीएस में स्कूटी पे पाती उसको भी आती है, ऐसा छोटे थोड़े थोड़े गाड़ियाँ रहती है। तो पूरा प्लग कोसी गाड़ी को कोसा प्लग आना क्या है क्या नहीं स्टेप बाई स्टेप वो भी पूरा क्लियर बता दूँ मेरे को, होना तो कमेंट करो, कमेंट करो तो मैं 100% वीडियो बनाता हूँ मैं प्लग के ऊपर, और छोटे छोटे वीडियोज भी बनाते रहता हूँ। मेरे जाके मेरे चैनल पे देखते रहो, प्ले लिस्ट ओपन करके अलग अलग वीडियोज़ बना के रखा। देखो शार्ट प्लग, इसको शार्ट प्लग बोलते हैं, इसको लॉन्ग थ्रेड प्लग बोलते हैं, ये शार्ट बोले तो छोटा है ना थ्रेडिंग का, इसको शार्ट बोलते हैं, इसको लॉन्ग बोलते हैं, ये लॉन्ग थ्रेड का है ना, लॉन्ग थ्रेड बोलते हैं। तो इसको डाल लेंगे लॉन्ग थ्रेड को पहले एक बार, इसका गैप देख लेना भाई, और अपने कहना स्केल से लगा के बता दूँ भाई इसका गैप, ये देखो इसका गैप चेक कर लेना, मैं तुम्हारे को स्केल से लगा के दूसरे वीडियो में मैं क्लियर बताता हूँ तुम्हारे इसका गैप कितना रहना क्या है। अगर थोड़ा ज़्यादा रहे तो थोड़ा कम रहे तो भी क्या होती बोल तो गाड़ी मिसफायर होने का, गाड़ी थोड़ा रेज होने का, गाड़ी पेट्रोल होगा तो झलक कैसे देती, वैसा झलक देने के सम प्रॉब्लम थोड़े थोड़े प्रॉब्लम नए नए क्रिएट करता ये प्लग का गैप करेक्ट नहीं रहा। तो मैं ये पूरा तुम्हारे को कितना रहना गैप क्या है क्या नहीं मैं तुम्हारे को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ स्केल्स के साथ, जब तक तुम लाइक करके शेयर करते रहो। लेफ्ट साइड का भी प्लग निकाल दिया, और लेफ्ट साइड में जो पुराना प्लग निकाल दिया ना वहाँ पे छोटा वाला प्लग बोल दो, छोटा वाला बोल दो थ्रेडिंग लॉन्ग थ्रेड वाला जो बड़ा प्लग हो उधर इंस्टॉल कर देंगे, इसको इधर डाल दे के इसको प्लग से टाइट पाना से टाइट कर देने के बाद, और ऊपर का जो पाना नहीं तो काम करेंगे पहले इसको बाजू में हटा देंगे, इसको खोल के बाजू में हटा देके पहले उसको डाल देंगे बड़े प्लग को। बड़ा प्लग थोड़ा लूज़ कर लिया मैं, बड़ा प्लग लूज़ करना और टाइट भी करना बोलो तो उसको 14 नंबर का रिंग पन आता, 14 नंबर का है, लेकिन 14 नंबर का वहाँ पे जो रिंग पन नहीं बैठा तो KTM RC का जो पाना रहता ना प्लग पाना, ये देखो ये वाला ऐसा 14 नंबर का पाना आता, ये 14 नंबर का पाना डाल लेके खोलना पड़ता। अब मैं उसको थोड़ा लूज़ कर लिया, वहाँ पे देखो पूरा कार्बन मट्टी मट्टी आ गई, तो उसको खोल देने के बाद क्या है बोलो तो थोड़ा वहाँ पे क्लीन करना, अब उसको ऑलरेडी मैं क्लीन कर रहा था वहाँ पे अंदर उंगली भी नहीं जा रही, तो इसको प्लग हटा लेता हूँ। प्लग हटा लेने के बाद ये देखो ऐसा प्लग बिठा लेना, ऐसा बैठता प्लग, ऐसा बैठने के बाद इसको फिरा लेना, इससे पहले मैं लूज़ करा बोल के लूज़ हो गया, तो निकाल लेने के बाद बताता हूँ वीडियो। ये देखो और एक को इसमें जो प्लग बता रहा हूँ ना मैं, जो ये प्लग में और एक क्या है बोलो तो ये जो पॉइंट दिख रहा ना, ये देखो ये देखो इसमें जो पॉइंट दिख रहा ना पुराने का जो है मोटा है, जो लेफ्ट साइड में जो नया है उसका बारीक वाला है, ये बारीक वाला क्या है ये मोटा वाला क्या है बोले तो ये जो बारीक वाला जो नया प्लग दिख रहा वो RS 200 का है, NS 200 से भी RS 200 का सडंग पिकअप फुल रहता, तो उसलिए सडंग पिकअप की वजह से क्या करा बोलो तो लेफ्ट साइड में जो नया प्लग दिख रहा ना वो प्लग लेके आके ये NS 200 को डाल रहा हूँ बोल तो प्लग सेम रहता। क्या होता बोलो तो RS 200 को सडंग पिकअप रहता, NS 200 को सडंग पिकअप उतना ज़्यादा नहीं रहता, अपन जितना समझ रहे उतना ज़्यादा नहीं रहता, इसको बोलो तो थोड़ा नॉर्मल रहता, उसको बोल तो फुल रहता। तो उसके हिसाब से थोड़ा सडंग पिकअप की वजह से क्या करा बोल तो राइट साइड में जो पुराना प्लग दिख रहा ना उसको हटा देके लेफ्ट साइड में जो नया प्लग दिख रहा ना उसको डाल रहा हूँ। अब इसमें इंप्रूव क्या होता बोले तो माइलेज एक इंप्रूव होता, सडंग पिकअप एक इंप्रूव होता, सडंग पिकअप छोड़ते ही सब बोल के ले लेती गाड़ी,
वैसा RS 200 का जो पिकअप रहता ना, वो पिकअप ये NS 200 में मिल जाता। अब ये प्लग को क्या बोलते, राइट साइड में जो प्लग भी शार्ट हुआ था थोड़ा, उसका भी गाड़ी गर्म होती कि गाड़ी ऑफ हो जा रही थी, तो सम प्रॉब्लम थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, वो क्रिएट करने के बाद और पूरा सॉल्व होने के बाद प्लग गन चेंज कर दे रहा हूँ। कहीं को बोलो तो फिर कौन चेंज करते बैठते, ऑलरेडी डैंक खोल दे, पूरा खोल दे, पेट्रोल फिल्टर वगैरह सब चेंज कर रहे। तो ये प्लग को तो डाल लेंगे अपन, ये प्लग डाल लेने के बाद वहाँ पे काम करेंगे। अब उसमें मैं क्लीन करेंगे सोचा, ऊपर क्लीन कर तो क्या होता बोलते, मट्टी अंदर जा रही तो इसलिए क्लीन नहीं करा, बाद में जाके हेयर मार के क्लीन करता हूँ उसको। अब ये बड़ा प्लग एक चेंज कर लेंगे अपन, बड़ा प्लग को चेंज करते सिम दिख के वहाँ पे नीचे मट्टी नहीं गिरे सर का, वहाँ पे जो होल दिख रही ना, वहाँ पे जो थ्रेडिंग दिख रहा ना, उसमें देख समझ के हल्लू बिठा लेना। पहले एक दो तीन थ्रेड बैठ गया बोलो तो टेंशन नहीं रहती, कहीं बोलते मट्टी अंदर नहीं गया सर का, बचा ले सकते अपन। राइट बैठ गया वो तो, पर इंस्टॉल कर देने के बाद ये प्लग भी डाल देता हूँ, ये प्लग भी डाल देके गाड़ी यहाँ तक तो वीडियो हो गया। अगर तुम्हारे को प्लगन के बारे में पूरा डिटेल होना, प्लग शॉर्ट हो गया तो कैसा मालूम करना है, प्लग अच्छा है अच्छा नहीं ये पूरा मालूम करना है, तो नाइमदमिक चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे वीडियोस के वास्ते वेट करो। और तुम जो भी कमेंट कर रहे ना, तुम्हारे को जो वीडियो होना है वो वीडियो के बारे में पूछो मेरे को, वीडियो पूरा बनाता हूँ मैं, मेरे को थोड़ा टाइम दियो, मेरे को लाइक करो शेयर करो भाई, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ मैं।